हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जय सुपर कॉल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इट्स अ टॉप रिक्वेस्टेड। मैं पिछले चार पांच जितने वीडियोस डाल रही हूँ उसमें मैं नीचे देख रही हूँ सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं हेयर फॉल एंड हेयर लॉस के। मतलब हमें हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, या डैंड्रफ की वजह से सर्दियाँ आ गई हैं, तो मौसम बदल रहा है इस वजह से। तो उसके लिए दोस्तों आज मैं एक बहुत ही सुपर डुपर ईजी DIY लेकर आई हूँ। ये है एक हेयर सीरम। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे हेयर सीरम सिखा भी रखे हैं। ये मतलब इतना आसान है, आपने क्या यूज़ करना है मैं अभी 2 मिनट में फटाफट एक शॉर्ट एंड क्विक वीडियो ये बना रही हूँ कि आपने मैंने इसमें एलोवेरा जेल डाला है क्योंकि मुझे अनियन के जूस की स्मेल इतनी ऑब्वियसली बाल अच्छे करने हैं तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैंने इसमें 1 से 2 चम्मच एलोवेरा जेल डाला है, विच इज़ एन ऑप्शनल इन्ग्रीडियंट। अगर आपको एलोवेरा जेल नहीं मिलता है तो आप मत डालिए, पर उससे बाल जो हैं, जो फ्रिजीनेस होती है, बालों में ड्राइनेस होती है, वो ज़रूर ट्रीट होती है। साथ में बाकी जितनी बॉटल है आप 1 से 1.5 कप प्याज का जूस ले सकते हैं। अर्के प्याज, लाइक 1 से 2 प्याजों को, अनियंस को यू कैन ग्रेट अनियंस एंड उसका जो पल्प निकलता है उसको स्क्वीज करेंगे तो सारा जूस जो है बढ़िया सा अनियन जूस आ जाएगा। वो अनियन जूस डाला है। मतलब इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स मेन है। एक है प्याज का रस जो पूरा भर लेना है 1 से 1.5 कप, जितनी क्वांटिटी आप बड़ी बॉटल में या छोटी बॉटल में बनाना चाहते हो दैट इज एंटायरली अप टू यू। उसमें आपने डालने हैं 15 से 20 ड्रॉप्स रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। अब रोजमेरी एसेंशियल ऑयल बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें मंगाना पड़ेगा। देखो दोस्तों, अगर आपके बालों में पतलापन हो रहा है, थिनिंग ऑफ हेयर हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मंगाएं। लैवेंडर एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं उसकी जगह, बट रोजमेरी हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करने के लिए, स्टिम्युलेट करने के लिए, जड़ों को स्टिम्युलेट करने के लिए अमेजिंग काम करता है। और जब उसको प्याज के रस के साथ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की 15-20 बूंदें हम मिक्स कर देते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है। मैं ये क्यों कह रही हूँ दोस्तों, बिकॉज जो मेरा हेयर ऑयल है वो बहुत ज़बरदस्त है, सबको पसंद है, बट आप लोग जानते हैं कि पिछले 2-2.5 महीने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थी मैं और काफ़ी अपनों से धोखा मिला। लाइफ थोड़ी अजीब सी, स्ट्रेस भरा पीरियड चल रहा था, अच्छी चीज़ें नहीं, धोखा एंड बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिससे दिल बहुत दुखा था। दोस्तों एक एक्स्ट्रा टिप दूंगी, आप जितनी भी होम रेमेडीज यूज़ कर लो, बाजार की हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद कर दो, फ़ायदा तभी होगा जब आप दिल से खुश हैं। अगर आप दिल से खुश नहीं है ना तो हेयर लॉस, स्किन भी अच्छी नहीं होगी, वो झलकेगी ही झलकेगी आपके चेहरे पे, आपके व्यक्तित्व, आपके बॉडी पे। तो मैं काफ़ी स्ट्रेस में थी और मूड अच्छा नहीं रहता था, कुछ करने का मन नहीं करता था, तो मेरे बाल जो हैं काफ़ी ज़्यादा हल्के हो गए थे। बट अब मैं वापस से ऑयलिंग भी शुरू कर ही दी है, साथ में मैंने ये जो ये बढ़िया सा सीरम है ये यूज़ कर रही हूँ। आप अगर नहीं चाहते एलोवेरा जेल डालना, मत डालिए, सिर्फ अनियन जूस, प्याज का रस ले लीजिए, साथ में 15 से 20 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल रोजमेरी की। नीचे मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बार में, आप ये ऑयल मंगा सकते हैं, नहीं तो आप कहीं लोकल केमिस्ट से कहीं से भी ले सकते हैं। और बस इसको आपने कैसे करना है, जैसे हफ्ते में आपने 2 बार सर धोना है तो एक बार तो ऑयलिंग करके सर धो लिया अगले दिन या 2 घंटे बाद, और जैसे आपने 3 दिन बाद दोबारा सर धोना है, जैसे मंडे को धोया आपने, फ्राइडे को धोना है, तो आप थर्सडे को रात को इसको ऐसे देखिए, ये मैंने बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, ये देखो ये बिल्कुल लिक्विड है, तो आपने इसको ये आपको अच्छे से जड़ों में हर जगह अच्छे से स्प्रे कर देना है, ये बहेगा नहीं, वहीं पे रहेगा। और अगर एलोवेरा जेल डाला है तो एलोवेरा जेल हमें रूखा कभी नहीं लगाना चाहिए, अकेला हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में लगाना चाहिए। तो मैं इसको जड़ों में भी रूट्स में भी लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं सो जाती हूँ, फ्राइडे वाले दिन जैसे सर धो लिया, मतलब ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आप हफ्ते में 2-3 बार सर धोते हैं तो 1 या 2 बार ऑयलिंग करके धोइए और 1 बार इससे करिए, हफ्ते में 1 बार इसको लगाना अपनी रूटीन में शामिल कर लीजिए। और डेफिनेटली सच में दोस्तों, मुझे तो हफ्ते में पहली एप्लीकेशन से फर्क दिख रहा है, हेयर लॉस कम होगा, हेयर फॉल कम होगा, और बस टेंशन लेना बंद कीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर टेंशन लेते हो तो यार जो मर्जी कर लो कोई फायदा नहीं होने वाला। रिलैक्स रहो, मेरे साथ चिल करो अपनी जय सुपर कौर के साथ। तो आई होप दोस्तों आप प्लीज इसके बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स, अपना रिजल्ट मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। डेफिनेटली मेरे वीडियोज को शेयर करना तो बनता ही बनता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, प्लीज यार कर देना सच में शेयर, और साथ में मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जय सुपर कौर, और जय सुपर कौर फैमिली का हिस्सा बन जाइए। बहुत सारा प्यार मैं इसी तरह से करती रहूंगी, आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस बनाती रहूंगी, कोई भी नाराज मत हो। कल के वीडियो में कुछ लोग बोलते हमारा नाम नहीं बोला, हमारा नाम नहीं बोला, यार अगर मैं सबका नाम बोलने लगती तो वीडियो खत्म ही ना होता, फिर आप लोग कहते इतना लंबा वीडियो है। सो कोई बात नहीं, लाइव में आकर बहुत सारी गप्पे शप्पे मारूंगी, बताइएगा कब चाहते हैं मुझे लाइव देखना, एंड इसी तरह से प्यार करते रहिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, आई लव यू ऑल।